तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फेसबुक का न्यू अपडेट आ चुका है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर करके चलोगे तो भैया अब आपके फेसबुक पर स्ट्राइक वगैरह पड़ सकते हैं और आपका फेसबुक डीमोनिटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस अपडेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इससे आप अपने फेसबुक का व्यूज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो और भैया इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आज का ये वीडियो बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में और लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको फेसबुक लिखकर सर्च करना है और फेसबुक के बड़े वाले एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपडेट कीजिएगा उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो आपका होता है भैया ये होम बटन होता है, ये आपका वॉच पेज होता है, यहां से आपका प्रोफाइल वगैरह दिखता है। जैसे उसके नीचे आते हैं तो यहां पर आपको एक स्टोरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, वो आपके भी फेसबुक में देखने को मिल रहा होगा और उसके जस्ट बगल में आपको ये वाला रील वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। और ये जो बटन होता है ना, ये जो आप होम बटन देख रहे हैं ना भैया, इसको वॉच पेज या फिर सजेशन जो ब्राउज फीचर वाला बटन होता है इसको वही बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली आपके जो भी फोटोज होते हैं, जो भी आपके वीडियोज होते हैं और जो भी आपके रील होते हैं वो दिखाया जाता है। और जो भी आपका वीडियोज वगैरह वायरल होता है ना वो भैया लोगों के होम पेज पर ही जाता है, इसको होम पेज बोला जाता है। और ये आपके होम पेज पर आता है और जितना ज्यादा लोगों के होम पेज पर आएगा आपका वीडियो या फोटो या आपका रील उतना ज्यादा वायरल माना जाएगा। लेकिन भैया पहले तो इसमें केवल तीन चीज ही दिखाते थे, या तो भैया होम पेज में आपका वीडियो जाता था या फिर आपका रील जाता था या फिर आपका फोटो और टेक्स्ट जाता था। लेकिन फेसबुक का अब एक बेहद ही कमाल का अपडेट आ गया है भैया। जैसे ही आप अपने होम पेज पे जाओगे और थोड़ा सा नीचे में अगर मैं स्लाइड करके दिखाता हूं तो यहां से देख सकते हैं कि भैया पहले तो केवल भैया वीडियो रील टेक्स्ट और फोटो ही दिखाता था, लेकिन भैया अब आपके होम पेज पर लोगों की स्टोरी भी दिखाई देंगे जिसको आपने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है या फिर जो आपके फ्रेंड है या फिर जो भी है। तो भैया यहां पर देख सकते हैं कि अब आपके होम पेज पर लोगों की स्टोरी दिखाई जाएगी। यहां से उनके स्टोरी को आप दिल भेज सकते हैं, यहां से उनके स्टोरी पे कुछ हाय वगैरह लिख के भेज सकते हैं या फिर यहां से आप उनके स्टोरी पर डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहां से देख सकते हैं आप किसी के भी स्टोरी पर डायरेक्ट जा सकते हो। तो भैया अगर आपकी स्टोरी में दम रहेगा तो अब आपकी स्टोरी भी वायरल होगी आपके होम पेज से और आपके स्टोरी पे ज्यादा व्यू जाएंगे। अगर और ऐसे ही नहीं, अगर मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूं तो फिर से भैया ये कोई बग नहीं है। यहां पर अगर मैं फिर से नीचे स्लाइड करता हूं, नीचे स्लाइड करता हूं, नीचे स्लाइड करता हूं तो देख सकते हैं कि फिर से सत्याराज का यहां पर देख सकते हैं कि 9 घंटा पहले एक स्टोरी डाला हुआ है। यहां से लोगों की स्टोरी भी अब आपके होम पेज बटन पर जाना शुरू हो गया। तो भैया अब यहां से 2 पॉइंट निकल कर आता है, इसका बेनिफिट कैसे लेना और हमको स्ट्राइक से कैसे बचना है। तो भैया अब आपके होम पेज पर जैसे ही स्टोरी आने लगी है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने स्टोरी में कोई भी ऐसा वीडियोस लगाते हो जो कि फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है तब भैया उस परिस्थिति में आपके फेसबुक पर स्ट्राइक पड़ सकता है और आपका जो फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज है वो 7 दिनों के लिए डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो भैया ऐसा वैसा कोई भी स्टोरी नहीं लगाइएगा। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि भैया हम इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो भैया इसके ढेरों बेनिफिट है, आप इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले भैया आप अपनी स्टोरी में किसी भी भैया, क्योंकि स्टोरी में ना ही आपका अनओरिजिनल कंटेंट आएगा और ना ही आपके वीडियोज पे कोई कॉपीराइट क्लेम आएंगे। जी हां, स्ट्राइक पड़ेगा वो फेसबुक देगा। तो भैया अगर हम अपने स्टोरी में किसी भी अच्छे वीडियोज को लगाते हैं, कोई ऐसे वायरल वीडियोज को लगाते हैं जो कि वीडियोज बहुत अच्छा है और उसके वीडियोज में कोई भी हम अपना फेसबुक का लिंक देते हैं या यूट्यूब का लिंक देते हैं या किसी भी प्रकार के लिंक को देते हैं और वहां पर क्लिक करने के लिए बोलते हैं, तब भैया मेरा तो स्टोरी तो वायरल होगा ही। उसके साथ जो मैंने लिंक को वहां पर डाल रखा है, लोग लिंक पर क्लिक करके तरह तरह के आपके YouTube पर आएंगे, आपके WhatsApp पर आएंगे, आपके Telegram पर आएंगे, वहां से हम अपने विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, आप चाहोगे तो भैया अपने ही स्टोरी से अपने रील को प्रमोट कर सकते हो, अपने वीडियोज को प्रमोट कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए चले आता हूं मैं अपने कोई रील में। यहां पर देख सकते हैं कि 1 घंटा पहले मैंने ये वाले रील को डाला है। तो यहां से अगर आप
चाहोगे तो भैया यहाँ पर क्लिक करोगे, शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्टोरी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्टोरी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्टोरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक म्यूजिक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो म्यूजिक पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही म्यूजिक पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कोई भी म्यूजिक को ऐड करके इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा और शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक कीजिएगा तब क्या होगा, आपका रील आपके स्टोरी में लग गया है, ठीक है। अगर मैं आ जाता हूँ होम बटन पे, बटन पे आने के बाद जैसे ही मैं अपने स्टोरी पे क्लिक करता हूँ तो भैया अब क्या होगा कि ये जो मेरा स्टोरी है वो लोगों के पास सजेशन में जाएगा, और जैसे ही लोग मेरे स्टोरी पर आएंगे तो यहाँ से क्लिक करके वो डायरेक्ट मेरे रील पर आ सकते हैं। और ऐसे ही करके केवल स्टोरी का ही नहीं, अगर आप चाहोगे तो यहाँ से आप अपने कोई भी वीडियोज को भी प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करेगो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टोरी पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी गाना को ऐड करके यहाँ से जो है आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा शेयर पे, आपका वीडियो आपके स्टोरी में लग जाएगा, आपका रील आपके स्टोरी में लग जाएगा, आपका फोटो आपके स्टोरी में लग जाएगा, और आपका जो स्टोरी है वो भैया लोगों के होम पेज पर दिखाया जाएगा, जिससे आपके स्टोरी पे ज्यादा व्यू जाएंगे तो आपके रील पर आपके वीडियोज पर ज्यादा व्यू जाएंगे। बस फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट वाले वीडियो को नहीं डालिएगा, जैसे कि कोई खून खराबा वाला वीडियो, कोई सुसाइड वाला वीडियो या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालिएगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज का अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत